नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बिना ब्रह्मचर्य बिना संकल्प के मंत्र का जाप करते हैं तो क्या प्राप्त होता है इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कि अगर बिना ब्रह्मचर्य बिना संकल्प के मंत्र का जाप करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वे एक माला ही जाप क्यों ना करें, लेकिन वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, कोई संकल्प नहीं लेते, लेकिन माला जाप नियमित रूप से करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में भी कई ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो उनको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि बिना संकल्प बिना साधना बिना ब्रह्मचर्य के कुछ प्राप्त नहीं होता, कोई मंत्र असर नहीं करता। लेकिन जब आप बिना संकल्प किए बिना किसी ब्रह्मचर्य के अपने इष्ट देव के साथ किसी मंत्र का जाप करते हैं और माला लेकर आसन पर बैठकर उसका जाप करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। जब आप निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि वह मंत्र जागृत हो जाता है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। एक समय के बाद में आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो भी सोचते हैं वे चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं, वे घटनाएं आपके साथ घटित होने लगती हैं और आपके जीवन की कई परेशानियां दूर होने लगती हैं। ऐसा अनुभव कई लोगों को हुआ है। यह सच्चाई है कि अगर आप निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र जागृत हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते और जो आपके बंद रास्ते होते हैं वे भी खुल जाते हैं। व्यापार में हो रहा नुकसान फायदे में बदलने लगता है, आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है, जो भी आप सोचते हैं वह होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है और आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। निरंतर मंत्र जाप से उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है, उस मंत्र का जो शक्ति है, उस मंत्र का जो प्रभाव है वह आपके अंदर समाहित होने लगता है, इससे आपके घर में बरकत आती है। अगर आप किसी मंत्र का एकाग्रता से जाप करते हैं तो आप जीवन के सभी कार्यों में एकाग्र हो जाते हैं और सफलता आपके कदमों में होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हैं, वह सारी चीज़ें पूर्ण हों, तो आप कोई भी मंत्र ले लें, कोई भी एक मंत्र ले लें, जरूरी नहीं है कि वह श्रावण मंत्र ही हो, आप किसी वैदिक मंत्र को भी ले सकते हैं और आप प्रतिदिन एक माला का जाप करें, इसका आप नियम बना लें। बस आपको अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनना है, जैसे कि आप पूजा घर चुन सकते हैं, वहाँ पर आप बैठें, दीपक और धूप बत्ती वहाँ जलाना है आपको, और आप अगर सुबह शाम दीपक और धूप बत्ती जलाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जलाते हैं तो आपको माला जपते समय एक दीपक और धूप बत्ती जलाना है और आसन पर बैठकर एक माला लेकर उससे आपको जाप करना है। तो आप देखेंगे कि 21 दिन बाद या फिर कुछ दिनों बाद फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं। आपका वह कार्य भी होने लगता है जो आपको लगता है कि यह कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता, सारी परेशानियां हल होने लगती हैं। यह शक्ति
आपके सोचने पर कार्य करती है। आप जिस भी विषय में सोचेंगे उस पर कार्य करती है और उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाती है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, अगर आप साधना नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करें, इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो साधना या संकल्प के साथ आपको प्राप्त होता है। लेकिन जाप निरंतर करना है। ऐसा ना करें कि आप बीच में जाप छोड़ दें। एक समय ऐसा आएगा कि मंत्र आपको रट जाएगा और आप चलते फिरते भी इस मंत्र को बोल सकते हैं। आप हमेशा मंत्र को जपते रहेंगे, एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपको वह मंत्र उठते बैठते सोते जागते हमेशा आपकी वाणी पर रहेगा, हमेशा आपकी जिह्वा पर रहेगा। यह वह अवस्था होती है जब मंत्र सिद्धि की तरफ चला जाता है। इसके बाद से आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।